लेते हैं क्रेटा के वेरिएंट्स के बारे में। क्रेटा क्रेटा में टोटल 16 वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 वेरिएंट्स आ रहे हैं ऑटो में और बाकी के मैनुअल्स में आ रहे हैं। ठीक है, क्रेटा जो स्टार्ट हो रही है बेस मॉडल से, जिसके प्राइसिंग पेट्रोल जा रही है ऑन रोड 11,89,881, ओके, और डीजल में स्टार्ट हो रहा है ई वेरिएंट में, जिसकी प्राइसिंग जा रही है ऑन रोड 12,13,694 रुपये। ओके, आज हम देख रहे हैं ये क्रेटा का SX वेरिएंट है, पेट्रोल में 1.5 लीटर इंजन, जिसमें 115 PS पावर जनरेट हो जाता है और 140 Nm का टॉर्क आ जाता है। ओके, अगर फ्रंट में अगर बात करते तो इसका एक क्रोम डिजाइंस आ जाती है ग्रिल्स पे। ओके, DRS दिए गए हैं, ये दो LED हेडलैम्प्स है, नॉर्मल हेडलैम्प्स की तरह काम करते हैं। ये जो है तीसरा वाला, ये वो अपर के लिए दिया गया है। नीचे अगर आते हैं तो ये फॉग लैम्प्स दिया गया है, टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ओके, और यहाँ पे स्किड प्लेट दिए गए हैं, जो कि एक गाड़ी को अच्छा लुक दे देते हैं। ओके, अगर साइड में हम लोग बात करते हैं, 17 इंच के सिल्वर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ओके, डिस्क ब्रेक के साथ, फिर ORVM से टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ओके, क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जिसमें स्मार्ट की का फंक्शन आ जाता है, जिसको चाबी आपकी जेब में रहेगी तो आप यहीं से गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आपको चाबी की रिमोट से लॉक अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, रियर में आ जाते तो रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया गया है। ओके, फिर रियर में आगे अपना LED टेल लैंप्स, जो कि फ्रंट में जो DRL दिए है उसी शेप में दिए गए हैं, 3 बोल सकते हैं ट्रायो बीम टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा खूबसूरती दे देती है। पीछे आएंगे तो रियर में जो कि स्टॉप लैंप बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है पीछे बूट पे। ओके, फिर नीचे अगर बात करते तो क्लैडिंग की, तो ग्रे सिल्वर कलर में क्लैडिंग दिए गए हैं रियर में। रियर की बात करते तो काफ़ी अच्छा लेगरूम दिया गया है इसमें, नेक हेडरेस्ट सपोर्ट दिया गया है रियर में, और ये सीट 2-वे में रिक्लाइन हो जाती है। ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। तो अगर पीछे के सीट्स में अगर कंफर्टेबल की बात करेंगे तो रियर पैसेंजर को भी अच्छे कंफर्टेबल मिल जाएगा सीटिंग में। इसमें जो इंटीरियर ये डुअल टोन में दिया हो, ग्रेज और ब्लैक कलर में। ओके, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखता है, अंदर का जो स्पेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी में। अगर फ्रंट की बात करते तो फ्रंट में भी डोर हैंडल्स, डोर ट्रिम देखेंगे तो ग्रेज कलर में दिया हुआ, जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। इसमें टोटल 6 स्पीकर्स आते हैं चारों डोर में, और 2 ट्विटर्स दिए गए हैं। ओके, एम्बियंट लाइटिंग दी गई है इसमें, 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है ब्लू लिंक फंक्शंस के साथ, ऑटो AC आ जाता है और पैनारोमिक सनरूफ। ओके, अगर इंटीरियर की बात करते हैं ड्राइवर साइड में, तो ये बटन से अपना मिरर एडजस्ट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, मिरर फोल्ड करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, कौन सा मिरर सेट आपको फोल्ड एडजस्ट करना है उस पर रखना है आपको, कि गाड़ी लॉक अनलॉक के दिया गया है। और ये अपने चारों पावर बटन, जिसमें ड्राइवर साइड वन टच
डाउन आता है, वन टच अप है, वन टच अप एंड डाउन आ जाता है। और अगर पीछे बच्चे बैठे होंगे तो सहतानियाँ करते रहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये बटन है जो पीछे से वो पावर विंडो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, वह सीट की बात करेंगे तो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ, रिक्लाइनिंग दिया हुआ है और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हो गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, इसमें एडजस्टमेंट हेडलाइट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे हेडलाइट अगर पीछे ज़्यादा वेट होता है तो गाड़ी की हाइट सामने से ऊँचे थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो उस टाइम पे जो गाड़ी का फोकस है, जैसे हेडलैम्प ऑन करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है, तो वो अगर एडजस्ट करना है तो ये बटन दिया हुआ है जहाँ से आप हेडलाइट का लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, और स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग में वॉइस कमांड के लिए बटन दिया गया है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, म्यूट करने के लिए, कॉल रिसीव और एंड करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए जैसे FM से AM, USB, ब्लूटूथ। ओके, फिर ये दिया गया है गाने चेंज करने के लिए, जैसे कोई गाना सुन रहे हैं आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आता है तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया है। ओके, और अपना मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए बटन दिया गया है। यह आप देख सकते हैं, यह आ गया अपना कितने किलोमीटर चली है, कितना एवरेज दिखा रहा है, कितने देर से गाड़ी चालू थी, ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आते हैं तो 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जिसमें हम लोग मैप, FM और गाड़ी का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, हम लोग कौन से डायरेक्शन में हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, और ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें फ़ोन, ब्लू लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, फेवरेट्स, रेडियो आ गया, मीडिया, अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं आपको सॉन्ग्स प्ले करना है तो मीडिया में प्रेस करना है, USB लगा रहे तो USB मोड में, नेविगेशन, मैप, वॉइस मेमो और सेटिंग्स, इतने फंक्शंस दिए गए हैं। नीचे आते तो ऑटो एसी दिया गया है। ओके, ऑटो एसी का बेनिफिट ऐसे आप एक बार टेम्परेचर सेट करते हो तो ऑटोमेटिक अंदर का टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहता है, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर जो लोअर स्पीड है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो अगर आपने 19 का सेट किया हुआ तो 19 का ही टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहेगा, आपको मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। USB स्लॉट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, ये है अपना एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले कनेक्ट करने के लिए, और ये 12 वोल्ट आउटपुट है जहाँ पे हम वो मल्टी पिन चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है। और ये व्यू है DRVM व्यू, जिसको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर बटन बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हम लोग को ट्रैफिक में बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है, जैसे हम लोग कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पीछे की गाड़ी का डिस्टेंस हमें चेक करना है तो हम लोग को रिवर्स गियर डालना पड़ता है, अगर आप फ्रंट में ड्राइव कर रहे हो उस मोड में आपको देखना है तो इसमें रिवर्स मोड डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये बटन प्रेस करना है तो आपको पूरा रिव्यू दिखाई दे देता है। ओके, फिर आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें स्टोरेज भी दिया हुआ है। हाँ, ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आ रहा है जिसमें रिवर्स के लिए आपको ये बटन है उसको पुल करके रिवर्स में डालना है, जब तक आप वो पुल करके रिवर्स नहीं डालोगे तब तक ये आपका फर्स्ट गियर ही गिरेगा। ओके, तो जब आप वो पुल करते तो ये अपना पूरा रिवर्स के लिए बटन है सर? ये यहाँ पे बटन दिया हुआ नीचे जी वाला। अच्छा, ये बटन प्रेस करना है आपको। अगर इनर व्यू मिरर की बात करते हैं तो इसमें ब्लू लिंक के 3 फंक्शंस दिए गए हैं, SOS जिसमें इमरजेंसी के वक्त हम लोग ये बटन प्रेस करते तो हम लोग को कॉल आ जाता है जिससे अपना लोकेशन शेयर हो जाता है पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स में। सेकंड जो है रोड साइड असिस्टेंस का काम करता है, जैसे कोई भी ट्रैवल करते हो अचानक कुछ गाड़ी में खराबी आ जाती है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है,
तो हम लोग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, जो रोड टोल फ्री नंबर दिए गए, सिर्फ आपको ये बटन प्रेस करना है जिससे सामने से आपको कॉल आ जाता है और आपकी गाड़ी के बारे में डिटेल्स दे के आप हेल्प के लिए बुला सकते हो। और तीसरा बटन है ब्लू लिंक रिलेटेड, ब्लू लिंक के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो सिर्फ आपको ये बटन प्रेस करना है। सनग्लास होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पे एलईडी लाइट्स दिए गए हैं अंदर। ये न्यू क्रेटा का SX वेरिएंट है, 1.5 पेट्रोल इंजन। इसकी कॉस्टिंग जा रही है 16,17,608 रुपीज़। ओके, और अधिक जानकारी के लिए या टेस्ट ड्राइव के लिए आप हमारे शोरूम में विजिट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8452886111। शोरूम का एड्रेस है SDL रेसिडेंसी पार्क ई विंग, ग्लोबल सिटी, ऑपोजिट याजू पार्क, नारंगी बाईपास रोड, विरार वेस्ट। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हम लोग ने है गाड़ी का जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आपसे शेयर किया, प्लस जो गाड़ी में जो जो डिटेल्स है वो आपके साथ हम लोग ने शेयर किए, और इसके साथ हम लोग ने प्राइसिंग भी बताया। और जो किरण सर है उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने का है या फिर आपको रियल में फील करने का है, अगर आप वैसे विरार में रह रहे हो तो आप ये जो मोदी हुंडई है विरार शोरूम है तो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर गाड़ी डिस्प्ले में अवेलेबल है। तो और एक वीडियो आने वाला है, न्यू क्रेटा का वीडियो आने वाला है, SX ऑप्शन 1.4 टर्बो DCT। तो जो भी जब भी वीडियो आएगा तो आप एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आप नए हो, और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है तो उसको प्रेस करो, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो से मैं विदा ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, टेक केयर एवरीवन एंड बाय।